हेलो डियर फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम आई एम योर होस्ट नजीर सुनला शरीर एंड आर वाचिंग साइंस माई नजीर यूट्यूब चैनल डियर फ्रेंड्स आज एक नोटिफिकेशन आया था सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो कि कुछ इश्यूज पेश आए जो जेएसटी कैंडिडेट्स से उनके डॉक्यूमेंट सबमिशन के हवाले से तो ये जो है ये पी एच टी डॉक्यूमेंट पी एस टी कैंडिडेट जो हैं वो उनके लिए डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए जो भी प्रोसेस है तो उसके जो जितने भी क्वेश्चन हैं डिस्ट्रिक्ट चेंज होने के हवाले से या फिर जो गर्ल्स हैं जिनकी मैरिज हो गई है तो उनके कुछ इशूज़ हैं और कुछ यूसीज़ ऐसी हैं जो हार्ड एरिया में हैं और जो कुछ है, डिसेबल कैंडिडेट्स हैं जिनकी रिज़ल्ट अभी तक इशू नहीं हुई तो उससे उसके मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं तो उस नोटिफिकेशन में आ, जो है वो ज़ाहिर कर दिए गए हैं वो आपको इशू भी सॉल्यूशन भी बताया गया है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से तो वो आज आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं तो बिना किसी देर के चलते हैं उस नोटिफिकेशन की तरफ तो इस वीडियो को एंड तक देखें और दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि सब दोस्त जो है इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें तो ता... ये है हमारे पास नोटिफिकेशन जो सिंध गवर्नमेंट ने इशू किया है कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन थे डॉक्यूमेंट्स के वाले से जो जी कैंडिडेट्स के, के लिए पेश आए थे तो ये इशू किया गया है कि पी कैंडिडेट्स के, के लिए भी यही सेम चीज़ होगी तो सबसे पहले ये हम नोटिफिकेशन पढ़ते जा रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके आपको उसके बारे में थोड़ा गाइड भी करेंगे गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट डायरेक्टोरेट जनरल ह्यूमन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग्स तो ये डेट ट्वेंटी फोर दिसंबर को आया है और उसके बाद टू तो द चेयर चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी ऑल तो इसके बाद में सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है कि किसके बारे में ये नोटिफिकेशन है गाइडेंस इन प्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव ऑफ़ फ्रीकुनली आस्ड क्वेश्चन विथ रिगार्ड ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ जे एस टी पी एस टी थ्रो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी अंडर रिक्वायरमेंट पॉलिसी ठीक है तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन भी हैं और एक क्या क्या क्वेश्चन हैं वो भी आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ आई एम डायरेक्ट आई एम डायरेक्टेड टू रिफर द सब्जेक्ट एंड टू इन्फॉर्म दैट सिंस एन एम बी गनकम्प्लीट रिस्पॉन्स इज बींग रिसीव फ्राम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिस सिलेक्शन कमेटी मैनी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ रिटर्न टेस्ट थ्रो सिंध आई बी ए सखर आई बी ए टेस्टिंग सर्विस फॉर द पोस्ट ऑफ जे एस टी पी एस टी हैव डायरेक्टली अप्रोच द कम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर दू प्रॉपर गाइडेंस एंड क्लियरिफिकेशन विद रिकॉर्ड ऑफ देयर कैंडिडेचर तो इसमें देखें जो ये कह रहा है कि जो नॉलेज हमें मिल रही है इंफॉर्मेशन मिल रही है कैंडिडेट्स के थ्रू तो वो कुछ आ, मतलब इनकम्प्लीट है एम है मतलब थोड़ी मंझारे की है तो उसमें थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को तो उसके बारे में क्या क्या है थ्रो तो आफ्टर आ, दो आफ्टर, आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट पॉलिसी टू के ट्वेंटी वन Constitution of DCS, a District Selection Committee, and following meeting with you, enough information must be available with the district offices to address the queries. Guide can the uh, kind uh, guide the ki candidates. Yet it has been failed that there is no there is need to answer the uh, frequently asked questions by the candidates as follows the same may be uh, got printed. चाहिए तो ये भी कुछ क्वेश्चन हैं तो सबसे पहला जो इश्यू है और क्वेश्चन है वो कौन सा है आई हैव क्वालिफाइड रिटर्न टेस्ट एंड हैव माई डोमिसाइल सर्टिफिकेट बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गेट द पी आर सी फॉर्म डी इन टाइम विच हैव इश्यूड आफ्टर कट ऑफ डेट एम आई एलिजिबल फॉर गेटिंग अपॉइंटमेंट तो इसमें काफ़ी सारे मुझे भी कमेंट्स आ रही थी कि सर हमारा जो पी आर सी और फॉर्म डी है तो वो मेरी टेस्ट के बाद जो है ये बना हुआ है तो क्या इसका आ, मतलब जो है ये इफेक्ट एफ, होगा या नहीं होगा तो इसमें जो आंसर रेजोल्यूशन है तो उसमें क्या कहा गया है इफ़ एनीवन हैज़ डोमिसाइल एंड अदर डॉक्यूमेंट सर्टेन डिस्ट्रिक्ट पी डोमिसाइल इशूड आफ्टर कट ऑफ डेट देयर केसेस विल नॉट बी रिजेक्टेड ऑन द बेस ऑफ ओनली फॉर्म डी सच केसिस में बी फारवर्डेड द कंपिटेंट अथॉरटी टू वे ऑफ कंडीशन कंडीशन अलॉन्ग द प्रॉपर जस्टिफिकेशन बाई द चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी कंसर्न हि सीट शुड बी रिजर्व अंटिल कंपिटेंट अथॉरटी डिसाइड तो अगर आपका ये मसला है तो उस मसले में क्या क्या पेश आ सकता है तो ये आपको रिजेक्ट तो नहीं करेंगे सबसे पहले उसके बाद सिर्फ तो फॉर्म डी जो है उसका तो मसला नहीं होगा ये जो मसला है वो डी मतलब जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी है उसके सामने रखेंगे उसके बाद आपको जो है आ, जो है अथॉरिटी देंगे डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है आई बिलोंग टू सर्टेन यूनियन काउंसिल विच इज़ पार्ट ऑफ हार्ड एरिया एज पर नोटिफिकेशन बाई द गवर्नमेंट ऑफ सिंध बट ड्यू टू एन एरर माई रिजल्ट हैज़ नॉट बी डिक्लेयर्ड वाट कैन आई डू फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तो उसमें क्या क्या कहा गया कि जिस यूनियन से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वो हार्ड एरिया में है गवर्नमेंट के मुताबिक और उसके बाद जो है मेरी रिज़ल्ट अनाउंस नहीं की गई क्या करना चाहिए द परमानेंट एड्रेस शोन इन सी एन आई सी एंड अदर डॉक्यूमेंट विल बी कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द हार्ड एरिया इज़ नोटिफाइड बाई द डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी तो इसमें आपके पास जो एन आई सी है उसमें जो परमानेंट एड्रेस होगी उसके मुताबिक डिसाइड किया जाएगा कि आपकी यूसी जो है हार्ड uh, एरिया में है या नहीं द रिज़ल्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स अपियर टेस्ट कंडक्टेड सखर आई बी अपलोडेड ये जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस की गई है तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद आई एम फिजिकली चैलेंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स एंड आई हैव गॉट सच सर्टिफिकेट इन द ड्यू डेट issued by the authority but i remained unable to get nic with the logo of wheelchair before submission of document my result has not been declared in the uh, differently able category isme kya kaha gaya hai ki kuch students aise hain jo disabled hain lekin unke nic pe wheelchair ka logo jo hai wo nahi hai वो logo जो है बाद में बनाए जब test date खत्म हो गई उसके बाद तो इसमें result result के बाद तो इसमें देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या कहा गया है द कैंडिडेट विल नॉट बी रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अन अवेलेबिलिटी ऑफ ओनली सी एन एस विथ लोगो व्हील चेयर सिर्फ यही मसला नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर देंगे इफ प्राइमा फेसिस ही शी फिजिकली चैलेंज पर्सन एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिफरेंटली एबल डिफरेंटली एबल इज अवेलेबल विच वॉज इशू इशूड बिफोर द एडवर्टाइजमेंट सच केस विल कंसिडर्ड बाई द डिस्ट्रिक्ट कमेटी तो ये जो है आपको फिजिकली चेक करेंगे अगर आप डिसेबल हैं तो आपको कंसीडर करेंगे कि आप सही हैं मतलब आपको व्हील चेयर का लोगो लाजमी नहीं है अगर आप डिसेबल नहीं होंगे फिजिकली तो आपको मतलब रिजेक्ट कर सकते हैं उसके बाद उसके बाद जो ये मेन इम्पॉर्टेंट है आई एम फीमेल कैंडिडेट मैं एक फीमेल हूँ और डोमिसाइल जो है एक डिस्ट्रिक्ट का है और उसके बारे में उसके बाद मेरेज के बाद जो है मेरा डिस्ट्रिक्ट और सी जो है मेरे हस्बैंड के नाम बन गया तो उसमें रेजिडेंसल एड्रेस तो सेम डिफ़रेंट हो गई तो क्या मुझे अपॉइंट में, में एलिजिबल हूँ तो तो इस केस में क्या होगा कि आपकी जो डोमिसाइल और पीआरसी है तो अपॉइंटमेंट जो है वो इशूड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट प्रोवाइडेड दैट ओल्ड एनआईसी डोमिसाइल फ्रॉम सेम एरिया तो अगर जो आपकी पुरानी जो जो पी आर सी थी तो उसको कंसीडर किया जाएगा उसके बाद द डिसीज में कंसीडर द केस ऑन मेरिट वाइल इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन द केस मे बी रिफर्ड कमेंडेड अगर देखते हैं कि के कुछ केस अगर इजी होगा तो आपको इजीली मतलब जो है वो करेंगे अगर इजी नहीं होगा तो डिस्ट्रिक्टन कमेटी के थ्रू सामने रखेंगे केस सही है उसके बाद मैं उस यूसी या डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ जो पहले एक डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था बाद में मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो चेंज हो गया और किसी और डिस्ट्रिक्ट का जो है वो बन गया ऐसा तो क्या मुझे इलिज़, मैं एलिजिबल हूँ इसके लिए तो इसमें क्या कहा गया कि द रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट विल मेड पर मेड एज पर रेजिडेंशल एड्रेस शोन इन द डोमिसाइल इन परस्पेक्टिव ऑफ करंट स्टेटस आपके जो एन और आपकी जो डोमिसाइल पे जो करंट एड्रेस है आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं अगर चेंज हो गया है, मिसाल के तौर तो पर अभी ऐसा इस भी हुआ है कभी कभी के आपका जो है डिवीज़न या फिर जो तालका है या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि की डिस्ट्रिक्ट ही चेंज हो जाता है या, या यूनियन काउंसिल चेंज हो जाती है तो इसमें क्या होना चाहिए तो इसमें फॉर एग्जांपल एज शोन पर फैसल शाह फैसल कॉलोनी अगर आपका जो जैसल कॉलोनी का था प्रीवियसली पहले बट करंटली दिस इज़ पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी तो वो कोरंगी का हिस्सा है द रिकमेंडेशन विल बी मेड फ्रॉम कोरंगी एज पर करंट पोजीशन आपकी जो करंट पोजीशन होगी उसमें आपको जो है ऑफर करेंगे ये जॉब ठीक है ये भी उम्मीद है कि यह सब कुछ समझ में आ जाएगा आ गया होगा उसके बाद I am further directed to convey that district session committee, district education office concerned shall fully facilitate the and guidance kind candidates following the example of detect and efficient public servant with the problem resolving approach and no stone shall be left unturned towards the taste best service delivery to the public in the प्रस्पेक्टिव तो ये सिंपल बात है तो इसमें जो है जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है वो सब कुछ गाइड करेगी आपको बताएगी सब कुछ उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ टाइमली शेयरिंग द प्रोग्रेस विथ इश्यूज प्रॉब्लम्स एंड क्यूरीज एट द डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी हेडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें ये सब चीज़ें जो डिस्कस हो रही हैं देखते हैं क्या होता है अल्लाह पाक खैर करेगा तो यहाँ पे हम वीडियो को कर रहे हैं एंड तो तब तक के लिए खुदाफि मुझे तजाज़त अल्लाह ने के बन थैंक यू अल्लाह हाफिज़